दोस्तों, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने की हिम्मत रखती है। बस आप अपना पूरा फोकस इस वीडियो पर लगाए रखना और इस कहानी को ध्यान से लास्ट तक सुने। ये कहानी एक हिरण की है। दोस्तों, एक बार एक हिरण प्यास से व्याकुल होकर के जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, पर उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था। पानी ढूंढते ढूंढते वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। इतनी ही देर में उसे एक नदी के पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वह पेड़ के नीचे से फौरन उठकर उस पानी की आवाज़ की तरफ भागती हुई जाती है। जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ती है, उसे पानी की बहुत बड़ी झील दिखाई देती है और वह बहुत खुश हो जाती है, मानो उसे दोबारा ज़िंदगी मिल गई हो। वह फौरन दौड़ते हुए उस झील के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे झुकाती है, उसकी नज़र दाहिने साइड में एक शिकारी के ऊपर जाता है। शिकारी अपने हाथ में तीर लिए हुए निशाना साधे खड़ा था। फिर जैसे ही हिरण की नज़र बाईं तरफ जाती है, उसे एक शेर नज़र आता है। अब हिरण भूख प्यास सब कुछ भूल जाता है। फिर वह हिरण पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ भयंकर आग लगी हुई दिखती है, जो कि धीरे धीरे हिरण की तरफ ही बढ़ रही थी। अब हिरण जाए तो कहाँ जाए, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके चारों तरफ उसका मौत इंतज़ार कर रही थी। चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से उसके ऊपर मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है, चारों तरफ मेरे मौत खड़ी है और मैं यहाँ पानी पीने के लिए आई थी, तो क्यों ना मैं पानी पीकर ही मरूं। फिर हिरण पानी पीने लगती है, तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आते हैं और आसमान से बारिश होने लगती है। बारिश से पीछे की ओर लगी हुई आग बुझ जाती है और बारिश के कारण ही शिकारी का निशाना चूक जाता है और तीर जा कर के शेर को लग जाता है, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। हिरण पानी पी कर के सिर ऊपर करता है तो दाहिने साइड देखता है तो वहाँ उसे शिकारी नहीं दिखता। फिर वह बाएं तरफ देखता है तो वहाँ भी उसे शेर नहीं दिखता। फिर पीछे मुड़ करके देखता है तो वहाँ पर लगी हुई आग भी बुझ चुकी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत जब भी आती है, चारों तरफ से आती है, जिस कारण इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। लेकिन जब भी आप लोगों पर इस तरह की कोई मुसीबत आए तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि संयम से काम लेना है। इन सब मुसीबतों के कारण थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन इस तकलीफ को जो झेल जाएगा वो अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होगा। हिरण के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। वह चाहती तो भाग सकती थी, पानी में छलांग लगा सकती थी, लेकिन उसने रुककर थोड़ा सोचा, संयम से काम लिया और वह अपना कार्य करने में सफल हुई। दोस्तों, ऐसे ही हम इंसान की भी लाइफ में होता है। जब इंसान अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है तो उसे मुसीबतें देखनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो इंसान इन मुसीबतों में संयम से काम लेता है, वह अपनी लाइफ में सफल हो जाता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर लें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।